दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का। दीपावली प्रतीक है अंधकार पर उजाले या प्रकाश की जीत का। दीपावली प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और इन सभी को करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। रामचंद्र जी ने असत्य को जीतने के लिए सत्य के लिए कितने पापड़ बेले थे आप सभी को जानते हैं। और दिए को अंधकार को मिटाने के लिए हवाओं से कितना जूझना पड़ता है। और दीपावली आज प्रतीक बनाइए अपने दोषों को अपने रोगों को योग के द्वारा मिटाने का। आज ये प्रण कीजिए कि योगमयी आप बनेंगे अपने पूरे जीवन में। और उसके लिए एक छोटी सी दो लाइनें हैं, उसके बाद तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह पे जाएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। अब ये दीपावली का संदेश आप योग के रूप में लीजिए या इसको हास्य के रूप में लीजिए, दोनों तरीके से है। हम सब की एक ही ख्वाहिश होती है जी, वो सच है कि हम लंबी उम्र जीना चाहते हैं और इसीलिए हम योग से भी जुड़ते हैं। ये बड़ा कटु सत्य है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबी उम्र हर कोई जीना चाहते हैं। और ये किसी ने एक बार धर्मराज से पूछा था इस संसार का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, तो कहता है जी सत्य तो यही है कि मरना सभी को है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी दो लाइनें हैं। लंबी उम्र भी जीना चाहते हो, माँ की हाथों की छाछ छोड़कर पेप्सी कोला पिए जाते हो। माँ की हाथ की छाछ छोड़कर पेप्सी कोला पिए जाते हो, वो पिज्जे बर्गर खाकर लंबी उम्र भी जीना चाहते हो। फिट भी रहना चाहते हो, फिट भी रहना चाहते हो पर चलने से डरते हो। आजकल तो थोड़ी देर में ऑटो ले लेते हैं। फिट भी रहना चाहते हो पर चलने से डरते हो। निरोग भी रहना चाहते हो पर योग कहाँ तुम करते हो। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, उदासी अच्छी नहीं लगती। और गांधी जी ने कहा था ना प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है। ठीक है सजला जी, अब खोए हुए हो कहीं। फिट भी रहना चाहते हो पर चलने से डरते हो। निरोग भी रहना चाहते हो पर योग कहाँ तुम करते हो। वो बीपी हो गया शुगर हो गई ऐसे दर्द सुनाते हो, अरे पिज्जे बर्गर खा के लंबी उम्र भी जीना चाहते हो। रेडीमेड तुमको भाता है, ये महिलाओं के लिए है जी। अब रेडीमेड तुमको भाता है स्वेटर कहाँ तुम बुनते हो। रेडीमेड तुम्हें भाता है स्वेटर कहाँ तुम बुनते हो। और रफी साहब को छोड़कर यो 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 करते हो। हरी सिंह का यो 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 है ना जी, बहुत चला था। माता पिता खुद को बच्चों से, माता पिता खुद को बच्चों से मॉम डैड कहलवाते हैं। माता पिता खुद को बच्चों से मॉम डैड कहलवाते हैं। अरे रामलीला छोड़कर पीवीआर में दिल बहलाते हैं। रामलीला छोड़कर पीवीआर में दिल बहलाते हैं। चरण वंदना लुप्त हुआ, चरण वंदना लुप्त हुआ अब हाय हाय करते रहते हैं। चरण वंदना लुप्त हुआ अब हाय हाय करते रहते हैं। बुल्ले शाह के पाक की इश्क को, बुल्ले शाह के पाक इश्क को लव यू कहते हैं। पेड़ों की ठंडी छांव छोड़ दी, पेड़ों की ठंडी छांव छोड़ दी अब एसी में सो जाते हो। पेड़ों की ठंडी छांव छोड़ दी अब एसी में सो जाते हो। पिज्जे बर्गर खाकर लंबी उम्र भी जीना चाहते हो। देसी घी को खाने वाले, अगर देसी घी खाना छोड़ दिया जी पता नहीं क्या कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेहनत नहीं करते तो ऐसे ही होगा। देसी घी को खाने वाले पहलवान कहाँ मिलते हैं। देसी घी को खाने वाले पहलवान कहाँ मिलते हैं। बताओ दारा सिंह की तरह चेहरे किसके खेलते हैं। बताओ दारा सिंह की तरह चेहरे अब किसके खेलते हैं। जिम में जाकर बहुत जाते हैं जी, जिम में जाकर पाउडर खाकर अपनी मसल बढ़ाते हो।
जिम में जाकर पाउडर खाकर अपनी मसल बनाते हो, फल फ्रूट सब्जियां छोड़ दी, फल फ्रूट सब्जियां छोड़ दी, विटामिनों के कैप्सूल खाते हो, पिज्जे बर्गर खाकर लंबी उम्र भी जीना चाहते हो। आखिरी में खाने पर बस जोर दिया, खाने पर बस जोर दिया, पचाना छोड़ दिया, खाने पर बस जोर दिया, पचाना छोड़ दिया। आप सभी के लिए जोमेटो वाले दे जाते हैं, जोमेटो वाले दे जाते हैं, आप बनाना छोड़ दिया, जोमेटो वाले दे जाते हैं, आप बनाना छोड़ दिया। अजीनो मोटो डालकर नूडल बड़े शौक से खाते हो, पिज्जे बर्गर खाकर लंबी उम्र भी जीना चाहते हो। बहुत सुंदर पूरन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको हंसाया आपने।